गाइज यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी काम किए, काफ़ी प्रोग्राम्स, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग को अब एक और एक्सरसाइज देना, और यहाँ पर मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करें। मैंने सारे एक्सरसाइज जितने भी अभी तक बनाए हैं सबके सॉल्यूशंस बना के डाल दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस अभी तक नहीं किया है तो काइंडली आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उनको शुरू से देखें। उससे क्या होगा कि आप लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे इस कोर्स का। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। गैस मैंने आप लोग को रिकर्शंस के बारे में बताया था और उसमें मैंने एक बात बोल के छोड़ दिया था कि रिकर्शंस हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा टच अपॉन करूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और उस बारे में बात करके बताऊँ कि रिकर्शंस हमेशा अच्छे क्यों नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नई टैब खोलूँ और फिबोनाची सीरीज़ लिख दूँ, तब आप लोग को पता होगा फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। हमने देखा कि फैक्टोरियल जो होता है हमारा, उसमें हम लोगों ने वन का निकालना है तो वन है, ज़ीरो का निकालना है तो ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो का निकालना है तो भी वन है, टू का निकालना है तो टू मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री का निकालना है तो थ्री टू जो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इज सिक्स, इस तरह फोर का निकालना है, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक वन तक नहीं आ जाता। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रिकर्शन का ट्यूटोरियल तो आपने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, उसको ज़रूर से देख लेना। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि जो फिबोनाची नंबर है उसको निकालने का प्रोग्राम लिखेंगे। और ये फिबोनाची नंबर क्या होता है, अगर मैं जूम करूँ इस स्क्रीन में और कुछ इस तरह ऐसे करूँ और मैं यहाँ पर आप लोग को ये सीरीज़ दिखाऊँ, तो इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। अगर मैं बोलूँ ये एक फंक्शन के थ्रू निकालना है तो आपका एफ ज़ीरो क्या होगा, एफ ज़ीरो आपका ज़ीरो होगा और एफ वन क्या होगा आपका, एफ वन आपका वन होगा। तो आप एक बेस कंडीशन लगा सकते हैं, एफ ज़ीरो मेरा ज़ीरो हो जाए और एफ वन मेरा वन हो जाए। इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो निकलेंगे पिछले दो नंबर को ऐड करके, जैसे कि ज़ीरो और वन आपको ऐड करके ये वन आ गया, फिर दो कैसे आया, वन और वन को ऐड करके इन दोनों का सम यहाँ पर आ गया, फिर इन दोनों का सम यहाँ पर आ गया थ्री, इन दोनों का सम यहाँ पर आ गया फाइव, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ गया एट, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर 13 और 21 आ गया। इसी तरह ये सीरीज़ चलती चली जाएगी, लेकिन शुरू के दो नंबर मैनुअली हार्ड कोड करने पड़ेंगे। अगर आप फिब एन नाम से एक फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर कौन सा है, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो मैं देखता हूँ 25 है, तो मैं यहाँ पर अगर ट्यूटोरियल 25 लिखूँ तो क्या होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं यहाँ पर कोड नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को लिखूँ कि फिब, मैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग्स पर जाना चाहूँगा और सेटिंग्स पर जाकर जो मेरा माउस व्हील है, माउस व्हील का जूम है, उसको मैं यहाँ पर चेक कर दूँगा। उससे क्या होगा, मेरा माउस व्हील से मैं जूम कर पाऊँगा, फॉर सम रीज़न मैंने डिसेबल किया था ये। अगर मैं फिब अंडरस्कोर रिकर्सिव लिखूँ और ये फंक्शन मैं कुछ ऐसे लिखूँ और यहाँ पर int n आएगा, तो इसके अंदर मैं स्यूडो कोड लिख रहा हूँ, मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ़ n इक्वस टू वन और n इक्वस टू टू, तब क्या करो, n इक्वस टू टू तब रिटर्न कर दो n, वरना क्या रिटर्न करो, वरना रिटर्न कर दो fib recursive of n माइनस वन प्लस फेब रिकर्सिव ऑफ एन माइनस टू। अब आप लोग बोलोगे ये तो सिंपल सी चीज़ है तो हम कर देंगे, या फिर अगर आप लोग बिगिनर हैं हो सकता है आप लोग ऐसा ना बोलें, आप लोग के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है वो सुनने की आप कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि आप एक आइटरेटिव फंक्शन में लिखो। अब आइटरेटिव फंक्शन कैसे लिखोगे आप, देखो आइटरेटिव कैसे लिखोगे आप, एक फॉर लूप लगाओगे। अगर आप लोग को देखो जीरो वन तो हार्ड कोड कर देना, ठीक है, फिर उसके अगले वाला आप लोग को निकालना है तो क्या करोगे, आप लोग बोलोगे इन दोनों को जोड़ो और ये आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ गए आप, इन दोनों को जोड़ो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ते जाओ ये आ जाएगा। तो आइटरेटिव में क्या होगा, एक फॉर लूप लगा के आप लोग सम को मेंटेन करोगे और वहाँ तक पहुँचोगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिब 42 कैलकुलेट करो आइटरेटिव मेथड से और रिकर्सिव मेथड से। तो n की वैल्यू 42 के लिए आप लोग को निकालना है और दोनों वैल्यू सेम आएंगी, ये तो मालूम ही है, ठीक है, अगर आपने सही लिखे हैं फंक्शन दोनों दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखोगे रिकर्सिव ज़्यादा टाइम ले रहा है या आइटरेटिव ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ, इन दोनों में से एक बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और हम लोग इसके सॉल्यूशन वीडियो में बात करेंगे कि रिकर्सन हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता है। लेकिन अभी आप लोग को क्या करना है, मुझे बताना है कि रिकर्सन कितना टाइम ले रहा है, आइट्रेशन कितना टाइम ले रही है, अगर आइटरेटिव अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज़ को कैलकुलेट करने का तो वो कितना टाइम ले रहा है, रिकर्सिव और आइटरेटिव स्ट्रैटेजी में से फिबोनाची यानी कि ये पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा अच्छा है। 42 डालोगे आप एन की वैल्यू तो देखोगे एक तो बहुत सारा टाइम लेगा, आपका प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रुकेगा, और एक क्या होगा तुरंत हो जाएगा। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या दोनों तुरंत हो रहे हैं, क्या दोनों टाइम ले रहे हैं, क्या एक ज़्यादा टाइम ले रहा है एक तुरंत हो जा रहा है, मुझे नहीं पता, आप लोग को मुझे कमेंट में बताना है। अपना प्रोग्राम आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो। उसी के साथ साथ आप लोग क्या करो,
आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा ज़्यादा टाइम ले रहा है और कौन सा कम टाइम ले रहा है और कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप सेकेंड्स में बताओ कि कितना हो रहा है। अगर तुरंत हो जाता है तो आप लोग लिख दो इमीडिएटली, इमीडिएटली आउटपुट आ गया। लेकिन अगर दो या फिर एक या फिर आधा भी सेकंड लग रहा है तो आप लोग देख पाओगे, उसको फील कर पाओगे आधे सेकंड को। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आधा सेकंड लग रहा है। जितने लोग नीचे अभी चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे सबको एक एक दिल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिल ज़रूर से ले लें। तो नीचे आप लोग कमेंट करें चैलेंज एक्सेप्टेड, और सी प्रोग्रामिंग की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को ज़रूर खोल के देखो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है मैंने, खोल के सारे वीडियो सामने होंगे। कम से कम एक एनालाइज कर लोगे आप लोग कि हाँ मेरा सी प्रोग्रामिंग का हो गया, कोडिंग वाला वीडियो हो गया, वीएस कोड वाला वीडियो हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सिंटैक्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। ये सारी चीज़ें गाइस मैंने अपने एक्सपीरियंस को पैक करके बनाई हैं। ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैंने नहीं सीखी थी। अगर ये मैंने आप लोगों को 3-4-5 घंटे में सिखाई हैं चीज़ें, तो ये मैंने 3-4-5 घंटे में नहीं सीखी हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको 3-4-5 घंटे में सीखो। मैंने सालों में सीखी हैं, वो आप घंटों में सीख रहे हो उतने ही। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। मॉडर्न वे में आप लोग सी प्लस प्लस, सी, इस तरह की लैंग्वेजेस अगर सीखोगे तो आप लोग एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। हम लोग यहाँ पर सी से स्टार्ट करें तो मैं चाहूँगा मॉडर्न अप्रोच में ये जो सी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी है, हम लोग ये सी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सी प्लस प्लस, जैसे कि मैंने बताया था अपने शुरू के वीडियो में कि स्टेपिंग स्टोन है सी प्लस प्लस सीखने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी के अभी चैलेंज एक्सेप्टेड लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी तक के वीडियोज़ को आप लोग देखो। सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, चिंता मत करना, एकदम एंड तक लेके जाऊँगा इस कोर्स को। और इस कोर्स को करने के बाद आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मुझे नीचे कमेंट में बताना आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में जो मैंने बात की अभी रिकर्सिव आइटरेटिव वाली। आप लोगों को लगता क्या है, सॉल्व किए बिना क्या लगता है आप लोग को, ये भी मुझे बताना। जो लोग शेयर करना चाहते हैं प्लीज शेयर करें मेरे साथ, और ये क्योंकि सीडो कोड इसको मैं कमेंट कर दूंगा, मेरे साथ शेयर करो कि क्या लगता है आपको, क्या ज्यादा लेगा टाइम, क्या कम लेगा। मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा इस चीज को, ऐसा क्यों हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग अभी सिर्फ अपनी एक्सरसाइज करो, मैंने आप लोग को जो काम दिया उसको करो, और भरोसा करो हम लोग बहुत अच्छी तरह सी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे और हम लोग पूरा एंड तक लेके जाएंगे, और आप लोग अपने आप में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे जब आप प्रोग्राम लिखेंगे। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।